आपका नाम? आशीष भाटिया। आशीष, क्या लुक है यार, बाइकर लोग, बाल पूरे लंबे, ये जो चश्मा, इसके अंदर कुछ है भी कि नहीं? कुछ भी नहीं है। क्या आपके अंदर भी कुछ भी नहीं है? नहीं, मेरे अंदर बहुत कुछ है, अभी सब कुछ दिखाऊंगा ना अंदर जाके मैं। अच्छा, लेकिन जाने से पहले मेरी तरफ से आपके लिए स्प्रे मिंट, बी फ्रेश एंड बी कूल। आशीष, पहले नमस्ते बोल दे सबको, सीधा ऊपर चढ़ जा। नमस्कार। सीधा ऊपर चढ़ जा। चढ़ चढ़ चढ़, और एकदम यहाँ फेस करके सीधा खड़ा हो जाइए। रामा 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 मरा मरा मरा। थोड़ा आगे को, इंट्रोडक्शन यहीं से दियो। हाय गाइस, व्हाट्स अप, नमस्कार, मैं हूँ आशीष भाटिया, देहरादून से आया हूँ, 23 साल का हूँ। प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं डांसर हूँ। डांस के अलावा आई मेक कॉमेडी वीडियोज, आई एम अ यूट्यूबर होल्डिंग 3 लाख फैंस, एंड बताशा के लिए आई एम अ रैपर टू, रैप भी करता हूँ। कूजा वेरी गुड। ये चश्मे चश्मे नहीं है ना? मतलब नहीं सर, उतार दे इसको। बड़े पैसे हैं इसके पास। वैसे भी 300,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हर यूट्यूब वीडियो पे काफी डॉलर्स मिलते हैं। मैक्सिमम तेरे को एक वीडियो में कितने डॉलर्स बनाए थे? सर ऐसे में भी चेकआउट नहीं करना, इसमें मैक्सिमम मेरे व्यूज है 48.9 मिलियन व्यूज। 48.9 मिलियन व्यूज मेरे कई गानों पे नहीं है इतने व्यूज। क्या करता है इतने पैसों का ये? सर अपने शौक पूरे करता हूँ। जैसे पेरेंट्स से, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था मुझे कि ये सब डांसिंग वांसिंग में। मैंने बीसीए किया, पेरेंट्स से पैसा खर्च करा, बीसीए करवाया, मेरा प्लेसमेंट बीसीए किया। सर क्या बोल, मतलब आई नो दैट यू एंड रफ्तार आर हैविंग अ साइड कन्वर्सेशन। नो, दे आर हैविंग अ रिलेशनशिप। तेरे को शुरू में बोल रहा हूँ, ओके, आगे जाने के लिए कलिंग ग्राउंड तक तेरे को एक नहीं 4 बत्तियों की जरूरत है। उस हिसाब से पेश आना, ये ऐसा ना हो कि एक के चक्कर में एक तो जल जाए और बाकी फिर लग जाए। यार रोडीज में क्यों आना चाहते हो? सर रोडीज मतलब काइंड ऑफ एक समुंदर है, उसमें आई वांट टू स्विम, हवा है उसमें आई वांट टू फ्लाई, आग है उसमें मुझे जलना है, जुनून है उसमें। क्या क्या खा क्या है? नहीं नहीं नहीं, सुन 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 सुन, बिना रिहर्सल वाला जवाब। मैं बताया था कि मैं रैप भी करता हूं, तो ये चीजें मैम रैंडम बनती है। ये सब तो अच्छी बातें, तू डांस भी करता है, तू रैप भी करता है, पहले रैप कर। दिन रात मैं बार में खेलूं, सबकी मुंह पे क्या खेले लूं, पंगा मुझसे कोई ना लेता, लेके तो देख बेटे तुझसे भी खेलूं, पार्टी करेंगे बेबी सारी रात, पहाड़ी हो या कोई कहीं का जाट, डजंट मैटर हु इज फ्लर्टिंग विद यू बेबी, उसको भेज देंगे शाम शॉट। दिन रात मैं बार में खेलूं, पहले सेल्फी तो ले लूं, बार में खेलूं, एक सांस में पी लूं, लोग मुझे समझे मैं हूं लड़का घरेलू, बोले बाबा का मैं फैन बोहे मियां का दीवाना, दूर क्यों बैठी जरा पास मेरे आना, तुझे खुद मिचवा तुझे अपने बनाऊं, तो सब कहते हैं मैं कुछ अपना सुनाऊं, तेरे बालों से खेलूं, खाबों में जीलूं, लब लब सी पे तेरे होठों को पीलूं, पर ये ना सोचियो कि ऐसा वैसा हूं, तेरे एक्स नहीं मैं तो तेरे नेक्स्ट जैसा हूं, सनसेट जैसा कूल, वेल वेट जैसा सॉफ्ट, तू है खुला आसमान और मैं जेट जैसा हूं। शाबाश। अच्छा किसने लिखा है? सर खुद लिखा है। आई लाइक्ड इट। क्या बात है, क्या बात है, लेट्स सी योर डांस। ओके ओके, कैन वी हैव सम म्यूजिक प्लीज? बहुत अच्छा है, तू ठहराव रखेगा ना तो वो और अच्छा लगेगा। देखो मेरे को मिमिक करना है। You have some music, please. इसको फिनिशिंग चाहिए। बस वही है ना, तू फिनिश नहीं करता। तेरे को आता है पर तू पूरा खत्म नहीं करता एक स्टेप को। पता है डांस वैसे ही करता है जैसे तू बात करता है, जल्दी 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 जल्दी। एंड का वर्ड नहीं समझ आता ना, तेरा एंडिंग यहाँ पे है ही नहीं। अगर रोडी बनने के लिए सब यहाँ कर कहते हैं कि कुछ भी करेंगे कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेगा तू? हाँ मैं मतलब मैं चाहूंगा तो ये चीज की मेरी एंट्री ऐसी हो जैसा मैं हूँ, बट कहाँ पे एंट्री?
रोडीज में अगर मेरी एंट्री होती है तो ऐसा ही हो जाएगा। मतलब तू सिलेक्ट हो चुका है, तूने सोच लिया? सर मैं ऐसे सोच के तो आया था कि सिलेक्ट हो गई जाऊंगा। जहाँ पे जहाँ तू है ना, जहाँ पे तू कोरियोग्राफी करता है, अपना रैप करता है, अपना डांस करता है, जो तेरे दोस्त हैं, जो तेरे स्टूडेंट्स हैं तेरे इर्द गिर्द ना, ओ आशीष अमेजिंग अमेजिंग, कमाल कर दिया। वो आशीष आपको रोडीज में जाना चाहिए। आशीष तू तो रोडी ही है, तेरे को जाना चाहिए, तेरे को ऐसे सेट कर लेंगे। बहुत सुना ना तूने। मेरे को एक सवाल पूछना है। इफ यू गेट द चांस To ask a question to every gang leader, हर gang leader से एक सवाल पूछ सकते, तो क्या सवाल होता? आशीष पूछ रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग कितने desperate हो इसको अपनी टीम में लेने के लिए, अपने गैंग में लेने के लिए। चलो जवाब दो। Let's start from Nikhil। जिन लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं अपने गैंग में भरने के लिए, You would not even be my last preference. मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन आएंगे, क्योंकि वो बात सुनने वाले होंगे। अभी ये जल्दी अगर कुछ बोलते हैं तो ये सुन के निकालता है। मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे वो लोग पसंद हैं जो एक काम को फिनिश करके दूसरी तरफ जाते हैं। नेहा, आप कितनी डेस्परेट हैं इसको अपनी गैंग में लेने के लिए? मिल गया जवाब? हाँ सर, जवाब मिल गया। The question is more to know about how excited are you or how desperate are you? I assure this thing, अगर आप मेरे को टीम में लेते हो तो अगर मुझ में कुछ कमियाँ हैं मैं उनको पूरा करूँगा, एंड फिर शायद मैं किसी बात में आपको निराश नहीं करूँगा। That's my promise to every mentor. देख जैसा तू अभी है ना, तू ऐसा क्यों नहीं है? All right, gang leaders, आपके पास 10 सेकंड है। Okay. Best of luck. Your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, एक ही लाइट है और वो रफ्तार की, वो सबने शुरू में इंट्रो बोल दिया था कि तू एक पे कॉन्सेंट्रेट मत कर। वो तो मैंने तेरे को तब बोल दिया कि इसके पास है लाइट। जहां पे तू है, जहां से तू आ रहा है ना, यू आर टू गुड इन योर ओन वर्ल्ड। हम तेरे को यहां से भेजेंगे ना, यू मे नॉट बी एबल टू टेक द रिजेक्शन एंड दैट विल मेक यू बेटर। आई थिंक दिस रिजेक्शन इज अ वेरी स्मॉल रिजेक्शन, वेरी स्मॉल प्राइस टू पे फॉर। मुझे लगता है कि तू रोडीज पे आ सकता है, बट इट कुड बी कि तेरे को सिलेक्ट ना करके दे डूइंग योर फेवर। ये रिजेक्शन तेरे को अगर इसी रिजेक्शन में समझ आ जाए और तू अगले हफ्ते पीआई तक पहुंच जाए, तेरे को सिर्फ दो तो हैं, दो और की जरूरत होगी। ओके, ऑलराइट ब्रदर, आई एम होपिंग टू सी यू अगेन। बाय, थैंक यू।